الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم उतरकर हीरा से सुए कौम आया उतरकर हीरा से सुए कौम आया एक नुस्खे की मिया साथ लाया वो बिजली का करका था या सोते हादी अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل سد تكريم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और आपकी पाकीज़ा ज़िंदगी के उन्वान से गुफ्तगु चल रही है। गुज़श्ता हफ्ते मैंने आप हज़रात के सामने इब्तिदाए वही के मुतालिक बात की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब वही आई तो अपने घरवालों को इस्लाम के लिए तैयार किया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपका ले बालक बेटा आज़ाद करदा गुलाम हजरत जैद इबन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी ज़ेर तरबियत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने अहले बैत अपने घरवालों को इस्लाम की दावत दे करके फारिग हुए तो अपने सबसे करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर रदी अल्लाहु ताला अन्हु के पास आप पहुँचे और आपने हज़रत अबू बकर रदी अल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम की दावत पेश की। हज़रत अबू बकर ने इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन खसाइसुल कुबरा में अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत अबू बकर के इस्लाम के उन्वान से एक बात नकल की है, वो ये कि हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से शाम सफ़र किया करते थे तिजारत के लिए। एक मरतबा उन्होंने ख्वाब देखा, जब ख्वाब देखा तो इसकी ताबीर के लिए किसी राहिब और पादरी के पास पहुंचे, उसको अपना ख्वाब जिक्र किया बयान किया तो उस पादरी ने कहा अनकरीब आखिरी नबी दुनिया में आएंगे, दुनियावी जिंदगी में आप उनके वजीर रहेंगे
और जब उनका इंतकाल हो जाएगा दुनिया से, वो पर्दा फरमाएंगे, तो आप खलीफे अव्वल उनके नायब बनेंगे। ये पेशीन गोई उस पादरी ने इस ख्वाब के एतबार से ताबीर बयान कर दी। हजरत अबू बकर ने अपने ख्वाब को बयान नहीं किया, छुपाए रखा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबुवत मिली, अबू बकर के पास गए, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाकर के कहा कि अबू बकर मैं नबी हूं, मेरी नबुवत पर ईमान लाओ, अल्लाह एक है। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया दलील क्या है कि आप नबी हैं। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ख्वाब जो आपने पहले देखा था वो ख्वाब मेरी नबुवत की दलील है। जिस ख्वाब को आपने देखा था और उस ख्वाब में मेरे वजीर होने को आपको बतलाया गया, दलील है कि मैं नबी हूं। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी पेशानी पर बोसा दिया। हजरत अबू बकर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो मरतबा बोसा दिया है। एक तो ये मौका कि जब इस्लाम में आए तो नबुवत मिलने पर आपने बोसा दिया था, एक बोसा आपके इंतकाल के वक्त जबकि तमाम सहाबा घबराए हुए थे कि अब क्या होगा, दीन खत्म हो गया। तो उस वक्त हजरत अबू बकर का एक जामे खिताब जो उम्मत के लिए बड़ा एहसान है हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु का, कि जिसमें सहाबा कह रहे थे अब क्या होगा, तो हजरत अबू बकर का यह खिताब कि अगर कोई मोहम्मद की इबादत करता था तो वह तो दुनिया से रुखसत हो चुके, अगर कोई अल्लाह की इबादत करता है वह हय्युल्ला यमूत तो वह जिंदा है, उनको मौत नहीं आएगी। और फिर कुरान करीम की आयतें वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, ये खिताब दिया, तमाम सहाबा को संभाला, ये नबी थे, अपना काम पूरा करके दुनिया से रुखसत हुए। खुलासा कलाम ये कि हजरत अबू बकर ने दो मरतबा बोसा दिया, बाकी ये तफसील आइंदा इंशाल्लाह उसके वक्त पर जिक्र करूंगा। अब रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे चुपके चुपके नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दे रहे हैं, धीरे धीरे लोग इस्लाम में आ रहे हैं। हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये तमाम लोग धीरे धीरे इस्लाम में आए। लेकिन अब तक आसमान से कोई वही ऐसी नहीं आई कि आप खुल्लम खुल्ला ऐलान करें। 3 साल गुजर गए, चंद सहाबा इस्लाम में दाखिल हुए हैं। जब 3 साल खत्म हुए तो कुरान करीम की आयतें वअंदिर आशीरतकल अक्रबीन और दूसरी कुरान की आयत फस्ता बिमा तुमर वअरिद अनिल मुशरिकीन, ये कुरान की आयतें जब उतरी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब खुल्लम खुल्ला ऐलान के बारे में सोचा। हजरत अली फरमाते हैं कि जब वअंदिर आशीरतकल अक्रबीन ये कुरान की आयत उतरी है तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, अली खाने का इंतजाम करो, एक बकरी का दस्त यानी आगे का पैर उसको तैयार करो, उसके बाद एक सा अनाज जो तकरीबन 3.5-4 के करीब होता है, तो ये अनाज तैयार करो और दूध का एक प्याला, ये 3 चीजें तैयार करो। ये जमा कर दिया, हजरत अली को कहा सफा पहाड़ी पर सबको जमा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश वालों को जमा किया। हजरत अली फरमाते हैं वो 40 आदमी थे, खाना इतना था कि एक आदमी को काफी हो सके, मैंने वो गोश्त का टुकड़ा रख के रखा तो 40 आदमियों ने पेट भर के खाना खा लिया। फिर हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दूध का प्याला लाओ, मैंने वो दूध का प्याला लिया तो 40 आदमियों ने पेट भरकर दूध पिया। हजरत कुछ कहना ही चाहते थे कि अबू लहब जो आपका चचा था वो बोल उठा इसने हमारे खाने पर जादू कर दिया, ऐसा जादू तो आज से पहले हमने कभी नहीं देखा है, चुनांचे सबको लेकर के चला गया। फिर हजरत अली को दूसरे दिन कहा कि आज भी खाने का इंतजाम करो, दूसरे दिन फिर खाने का इंतजाम किया गया, सारे आ गए, 40 आदमी फिर आ गए, सबको खिलाया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरे रोज खिताब किया, उसी वक्त अबू लहब के कुछ अल्फाज तब्बल लक अलिहादा जमातना, कि तेरी बर्बादी हो क्या, तूने हमें इसलिए जमा किया है,
अल्लाह तबारक व ताला ने फिर उसका खिताब और उसका जवाब दिया था। अबू लहब अगरचे रिश्ते में आपका चचा था, लेकिन उसने इस दुश्मनी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां, दो बेटियां, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम, उसके बेटे की निकाह में थी, बेटों की निकाह में, दोनों को तलाक दिलवा दी। उतैबा और उतबा, ये दो उसके बेटे थे, कहा तलाक दे दो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो तलाक तो हो चुकी, लेकिन ये बड़ी अजीब रहमत थी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से, ये दोनों बेटियां एक के बाद दूसरी हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान रदी अल्लाह ताला अन्हु की निकाह में आई। और 1,24,000 अंबिया किराम के सहाबा में सिर्फ हजरत उस्मान ही ऐसे सहाबी हैं कि जिनके पास नबी की दो बेटियां एक के बाद दूसरी दो निकाह में आई हैं, वरना कोई ऐसा सहाबी नहीं है कि जिसके पास नबी की दो बेटियां निकाह में आई हो। इसी वजह से इनको दिन नूरैन, दो नूर वाले खिताब से याद किया गया। खैर, धीरे धीरे इस्लाम बढ़ता चला गया। अब कुरैश ने देखा कि मक्का में इस्लाम फैल रहा है, तो कुरैश ने हजरत अबू तालिब के पास आए, आपके चचा के पास आकर के कहने लगे, अपने भतीजे को समझाओ, वो हमको ऐसा कहता है, दुश्मनियां खड़ी कर रहा है, इसको यहाँ से बात बंद करवाओ। अबू तालिब ने उनको नरमी से ताल दिया कि आप चले जाओ। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी दावत में मसरूफ रहे। फिर कुरैश जमा होकर के दूसरी मरतबा अबू तालिब के पास आए और आकर के कहने लगे, अबू तालिब, अब सख्ती से कहने लगे, अबू तालिब, अब मसला बढ़ गया है, मोहम्मद को रोक दो, वरना तुम्हारे और हमारे दरमियान दुश्मनी हो जाएगी। अबू तालिब ने कहा कि ठीक है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, तो अबू तालिब ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, ए मेरे भतीजे, अपने ऊपर भी रहम खाओ, मुझ पर भी रहम खाओ, ये बात छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए, परेशान हो गए और आखिर में बोलने लगे, ए अब मेरे चचा, अगर वो मेरे एक हाथ में सूरज आफ्ताब और एक हाथ में महताब, चांद और सूरज, ये दो चीजें ला करके भी रख दे, और कोई रख दे, आप भी रख दें, तो भी मैं इस जो दावत अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे देने के लिए कहा है, उसको मैं रोक नहीं सकता, चाहे अल्लाह तबारक व मेरी मौत आ जाए, मैं हलाक हो जाऊं, या फिर ये दावत हो करके रहेगी। और नाराज होकर के आंखों से आंसू जारी हो गए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ करके जाने लगे। अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे, रुक जा, तुझे जो चाहे करना कर, मैं तुझे उनके हवाले नहीं करूंगा, तो अपनी खिदमत देता रहे। चुनांचे दूसरी मर्तबा ये कह करके चले गए। और कुरान करीम की आयत, इसमें उलमा ने लिखा है कि आफ्ताब व महताब, चांद और सूरज की मिसाल क्यों दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में सूरज तो एक हाथ में चांद का तस्किरा क्यों किया। उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि असल में आफ्ताब और महताब, चांद और सूरज, ये दो की जो रोशनी है, उन दो की रोशनी को दुनिया की कोई रोशनी छुपा नहीं सकती। बड़ी अजीब किस्म की रोशनी है। कोई अगर कहे कि हम इतने कुमकुमे जलाएंगे, इतनी लाइटें जला देंगे, उससे उसकी रोशनी मांड पर जाएगी, हो नहीं सकता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद, इस बात की तरफ इशारा था कि जिस तरीके से सूरज और चांद की रोशनी को कोई रोक नहीं सकता, इसी तरीके पर ये जो दीन में लेकर के आया हो, उस दीन को चाहे पूरी दुनिया उसको मिटाने की फिक्र करे, ये दीन रुक नहीं सकता। सुनांचे सूरह तौबा की आयत, युरीदूना अन युतफियो नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह वलौ करिहल काफिरून। अगरचे ये काफिर इस नूर को मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकते। रोजे अव्वल से, पहले दिन से आज तक ये कोशिशें जारी हैं कि इस्लाम को दुनिया से मिटाया जाए, इसको टेररिस्ट और आतंकवाद कहकर के इसको खत्म किया जाए, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा फैलने वाला अगर कोई मजहब है इस धरती पर, तो वो मजहब इस्लाम है, कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने ईमानी पावर को मजबूत करें। अगर इस्लाम मजबूत होगा तो एक छोटी सी रियासत, छोटा सा मुल्क, जिसने 20 मुल्कों की मिलिट्रियों को भगा दिया था, और लोग अपने मुंह में उंगली रखने के लिए तैयार हो गए थे कि क्या हो गए, इतना छोटा सा मुल्क पूरी दुनिया पर हावी।
इस्लाम तो कयामत तक बाकी रहेगा, जब इस्लाम खत्म होगा कयामत आ जाएगी। सवाल अपना है, हम लोग काफिरों की तरह बेहुदा सवाल करते हैं कि पूरी दुनिया में आज जुल्म और सितम जारी है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आज को सारी कौमें मिलकर के इस्लाम पर पत्थर उछाले जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, कीचड़ उछाला जा रहा है, सब कुछ है, अब सोच रहे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की मदद के तलबगार हैं, सब कुछ है। ये बेहुदा सवालात की तरह है। कुफ्फारे मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर के कहने लगे, आप सच्चे नबी हैं तो चलो एक फैसले वाली बात करते हैं। कहा क्या बात करते हैं, तीन सवाल, तीन कामों में से कोई एक काम करो। कहा क्या काम करना है, तो कुफ्फारे मक्का कहने लगे, मक्का में गरीबी ज्यादा है, सब्जा कुछ नहीं है, हमें सब्जे की जरूरत है, कुछ खेती हो जाए, दुआ करो आप अपने रब से कि सारे पहाड़ हट जाए और यहाँ पर सब्जा उग जाए। हजरत नबी, और हमारे अगले बाप दादा जो हैं उनमें से कोई जिंदा हो जाए और वो कहे कि ये अल्लाह के नबी है तो हम आपकी बात मानेंगे। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी जरूरत नहीं है, मैं इसलिए नहीं भेजा गया हूँ, बात बंद करो, आपको मानना है तो मानो वरना अल्लाह फैसला करेगा। उन्होंने कहा चलो दूसरा सवाल, ये बात नहीं है तो दूसरी बात। कहा कौन सी बात, कहा कि आसमान से एक फरिश्ता उतरे और फरिश्ता उतर करके यूं कहे कि मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं, इनकी बात मानो। कहा कि मैं इसलिए नहीं भेजा गया, आपको मानना है तो मानो वरना अल्लाह फैसला करे। फिर तीसरी बात कही, कहा कि एक बात करो, आप दुआ कर दो अल्लाह तबारक व ताला से कि अल्लाह इन पर अजाब उतार दे तो हम मान लेंगे तो अल्लाह का नबी है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह के काम में दखल नहीं करता, वो अल्लाह का काम है, वो चाहे तो अजाब भेजेगा, मैं ये दुआ भी नहीं करता। उन लोगों ने कहा, एक आदमी ने उसमें से अब्दुल्ला इब्न अबी मुईद ये खड़ा हुआ और कहने लगा कि मोहम्मद अगर आसमान पर आप सीढ़ी लगा करके चले, वहां से आप फरिश्तों के कंधे पर हाथ रखें और फरिश्ते अगर ये ऐलान करें कि मोहम्मद अल्लाह के नबी है, फिर भी हम आपकी नबुवत को अब नहीं मानेंगे। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस और नाउम्मीद होकर के चले गए। खुलासा एक कलाम ये कि आजकल हम लोग इसी में है कि अगर हम हक पर हैं, अगरचे हम नमाज नहीं पढ़ें, अगरचे हम रोजे नहीं रखें, अगरचे हम कुरान की तिलावत नहीं करें और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फतह हमारी हो जाए। फतह क्यों, ये काफिरों जैसे बेदा सवालात है कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पकड़ क्यों नहीं आती, बेहुदा सवालात है। इस्लाम आकर के रहेगा, चाहे किसी के जरिए भी अल्लाह इस्लाम की मदद ले ले, यूरिडो नहीं उठियो, वो कितनी जिस तरीके से एक आदमी सूरज को फूक मार करके बुझाने की कोशिश करे, उसकी रोशनी खत्म नहीं हो सकती, अगर से पूरी दुनिया मिलकर के इस्लाम को खत्म करने की कोशिश करे हो नहीं सकता। खैर, दूसरी मरतबा भी वो लोग चले गए, तीसरी मरतबा फिर अबू तालिब के पास वो लोग आए और आकर के कहने लगे, ये अबू तालिब एक फैसला कुन बात लेकर के आए हैं, हमारे पास एक खूबसूरत बच्चा है, अम्मारा इब्ने वहीद, ये कुरैश का खूबसूरत बच्चा है, इसको आप बेटा बना लो और मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो, हम इनको कत्ल कर डालते, आपको बेटे की जरूरत है तो ले लो। अबू तालिब ने कहा, ये आप इंसाफ की बात करते हैं, जिनको मैंने पाला बचपन से और आप इनको ले जाने की कोशिश करते हो, ये तो हो नहीं सकता। चुनांचे वो लोग तीसरी मर्तबा भी वापस चले गए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी दावत में लगे रहे और दीन इस्लाम फैलता रहा। फिर उन लोगों ने इस्लाम को मिटाने के लिए एक और बात की, सारा लोग जमा हो गए और जमा होने के बाद वलीद इबन मुगेरा, ये उनमें सबसे ज्यादा मुअम्मर उम्र वाला आदमी था, तो वो बैठा था। सब ने कहा कि अब लोग तो यहाँ आते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, क्या करना चाहिए। कहा कि एक बात करो, मशवरा करते हैं। मशवरे में वलीद इबन मुगेरा था, कहा कि आप कुछ बोलो, उम्र वाले आदमी हैं, आप कोई मशवरा दो। वलीद इबन मुगेरा ने कहा, आप कुछ बोलो, मैं मशवरा दूंगा। तो उस मशवरे में बात शुरू हुई, तो एक आदमी ने कहा, एक बात करते हैं, इनको काहिन कहते हैं ताकि लोग उनको काहिन कह करके छोड़ दें। तो वलीद इब्ने मुगेरा ने कहा, यह बात ठीक नहीं है, मैंने काहिनों का कलाम सुना है, आज काहिन नहीं। फिर कहा कि किसी ने कहा कि साहिर और जादूगर कहो, तो वलीद इब्ने मुगेरा ने कहा, जादूगर भी ठीक नहीं है, मैंने जादूगरों को देखा है, जादूगर ऐसे नहीं होते।
कहा क्या इनको मजनू और पागल कहो, कहा कि ये भी ठीक नहीं है, आपकी अकल बिल्कुल ठिकाने पर है। कहा कि इनको शायर कहो, कहा कि शायर का कलाम ऐसा नहीं है। फिर आखिर में वलीद इब्ने मुगैरा और सारे लोग सोचने लगे कि अन्ना क्या है। तो वलीद इब्ने मुगैरा ने आखिर में कहा चलो एक बात करते हैं, सबका इत्तेफाक हो जाए, बात किसी को बदलने की नहीं, सब कह दो ये शाहिर और जादूगर है, ये जादू करता है, तो इससे मियां बीवी में बीच में तफरीक हो जाती है, दोनों जुदा जुदा हो जाते हैं, घरों में लड़ाइयां हो जाती हैं, इनकी बात मत मानना। चुनांचे उन्होंने ये बात शुरू कर दी। आजकल यही कि इस्लाम मुसलमान तो के टेररिस्ट, मुसलमान तो के विधर्मी, ये सारे अल्फाज सुनते हैं, ये कयामत तक होने वाला है लेकिन मिटेगा नहीं। हमारा अपना इम्तिहान है कि हमारा ईमान बाकी रहता है कि नहीं रहता, वो असल सवाल है। इस्लाम नहीं खत्म होगा। चुनांचे ये लोग इस मशवरे लेकर खड़े हो गए लेकिन कोई बात सुनता ही नहीं था। वलीद इब्ने मुगैरा खुद कहता है उनके कलाम में इतनी चाशनी है, इतना प्यारा कलाम है कि उनके कलाम से हर एक मुतासिर हो करके रहता है। चुनांचे इस्लाम तो दिन दिन फैलता रहा। इसमें भी वो लोग कामयाब न हुए तो कहा कि अब कोई बात करना है, तो उन्होंने आखिर में कहा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि चलो अब इनको सताना शुरू करते हैं। तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद काबतुल्लाह के पास नमाज पर रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मैं देखा कि कुफ्फारों की एक जमात वहां पर बैठी हुई है, अबू जहल भी है, उकबा इब्ने मुईद भी है, सारे लोग हंस रहे हैं और कह रहे कोई है कि मेरे काम पर अमल करे, मेरी बात पर, के ओज ला करके हजरत ओ मोहम्मद के ऊपर रख दें। सब लोग सुन रहे हैं। उकबा इब्ने मुईद खड़ा हुआ, उसने एक ओज ला करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूठ पर, पुश्त पर रख दी। हजरत सजदे में है, सजदा लंबा हो गया। हजरत फातिमा 5 साल की बेटी, हजरत फातिमा ने आकर के वो होज हटा दी, ओजरी उसको हटा दिया। हटा करके फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमात के लिए बद्दुआ फरमाई। हजरत आयशा फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मेरे दो पड़ोसी बहुत खतरनाक थे, बहुत सताते थे आजू बाजू में। एक तो मेरा चचा अबू लहब था और दूसरा पड़ोसी उकबा इब्ने अबी मुईद था। वो मेरे रास्ते में गंदगियां डाला करते थे, मेरे रास्ते पर गंदगियां डालते थे, मुझे सताया करते थे। बहुत सारे वाकियात, हम इस्लाम के नाम लेवा जरूर है लेकिन हम अगर से दूसरी कुर्बानियां नहीं दे सकते, हम अपनी नमाज के लिए मस्जिदों तक नहीं आ सकते। हम फतह की बात करते हैं, पूरी दुनिया में हुकूमत की बात करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास वो लोग आए और आकर के कहने लगे चलो मोहम्मद झगड़ा खत्म करते हैं, एक बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कहा कि एक साल हम तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे, एक साल तुम हमारे माबूद की इबादत करो। कुरान आ चुका, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून, कहो ऐ अल्लाह के रसूल ओ काफिरो ला अबुदु मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अना आबिदु मा अबदतुम ला अबुदु मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अना आबिदु मा अबदतुम, और बाद में भी नहीं इसकी इबादत करूंगा, यानी ताकीद के साथ जिक्र किया दो दो मर्तबा कि जिसकी मैं परस्तिश करता हूं अल्लाह की तुम करने वाले नहीं हो, और जिसकी तुम करते हो उसकी मैं परस्तिश नहीं करता। कुरान करीम की इस छोटी सी सूरत ने तौहीद के मसले को समझा दिया, आज इसको समझने की जरूरत। आज इस सबक को फिर से पढ़ें। आज हम अपनी तिजारत के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तौहीद में समझौता करते हैं। आज अपनी सियासत के लिए, अपने राजकारण के लिए हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि झुका जा सकता है। तौहीद में कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, वरना वो बंदा मुसलमान ही नहीं होता। अपनी तिजारत और अपने बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपने ताल्लुकात में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर शिर्क की बात आती है तो कर लें। बल्कि यहां तक कि हम टीका भी कर लेते हैं, मूर्तियों के सामने झुक भी जाते हैं। हो ही नहीं सकता, रब्बुल आलमीन की जात के अलावा किसी के सामने झुका नहीं जा सकता।
आज इस सबक को फिर से पढ़ें। जिस वक्त कुफार का जुल्म था उस वक्त भी हुजूर ने कहा ला अबुदु मा ताबुदून, और आज इस सबक को फिर से पढ़ें, ये हो नहीं सकता। आजकल हम अपने ताल्लुकात में नमस्ते नमस्कार बोलते हैं, अगरचे मैं मिंबर पर बोल रहा हूं लेकिन नकले कुफर कुफरा नबासत, कुफरा को नकल करना कुफरा नहीं है, ये जायज नहीं है, इजाजत नहीं है। यह उनका एक श्लोक है जिसको अदबन तादीबन बोला जाता है, या तो दूसरे कोई अल्फाज के साथ हम इनको बुलाएं। ये बहुत बड़ा खतरा है, हम लोग अपनी दुनिया में जी रहे हैं कि हमें तो बस दुनिया चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ये कुरान है, सरी आयतें कुरान की है। खुलासा कलाम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई जिंदगी, आज भी कुरान पढ़ो आज भी ऐसा लगता है कि आज मेरे लिए उतरा है। ये कुल या अय्युहल काफिरून, ये सूरत पढ़ो आज भी ऐसा लगता है कि कुरान आज के लिए ही, इसको पढ़ें। ये सारी चीजें बातें बहुत सारी है, खुलासा कलाम ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और आपकी पाकीजा जिंदगी को देख करके हमें कुछ बदलने की जरूरत। ऐसा नहीं कि बस चलते चले आ रहे हैं, आएगी मौत आएगी मर जाएंगे कब्र में सो जाएंगे, कुछ नहीं। हम मुसलमान होने का दावा करते हैं, क्या फजर में उठ करके मस्जिद तक पहुंचे हैं? जुमा में आज जितने मुसल्ली हैं दूसरी नमाजों में कहां चले जाते हैं? क्या हम जुमा में हाजिरी के लिए आते हैं कि मैं मुसलमान हूं मेरी हाजिरी कर लो? जरा सोचने की बात है, हम दूसरी कौमों के लिए बद्दुआ कुनूत नाजिला फजर में पढ़ रहे हैं कि अल्लाह हलाक कर दे जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, और जिस जो कौम बद्दुआ करती है वो कौम बिस्तरों में सोई। सोच समझने की जरूरत है, 11 बजे भी अगर आदमी सो जावे तो वो 6-7 घंटे की नींद पूरी करके 6-10 बजे फजर की जमात में शामिल हो सकता है। लेकिन कितनी गफलत, 10 मिनट तक आदमी वक्त नहीं दे सकता। जरा सोचने की जरूरत है कि मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूं किस मुंह से मैं मुसलमान कहता हूं। अगर हजरत थानवी ने लिखा है कि अगर बद्दुआ किसी कौम के लिए की जाए और वो कौम बद्दुआ की मुस्तहिक नहीं है और तुम लोग ऐसे हो कि तुम पर जुल्म किया जा सके तो वो बद्दुआ लौट करके तुम्हारे ऊपर आएगी। तब क्या करना है, बद्दुआ करनी है या फिर उनके फलस्तीन वालों के लिए एक तरफ दुआ चल रही और एक तरफ हम लोग सो रहे हैं। वो लोग ना रातों को सोते हैं इसलिए नहीं सोते कि मस्जिद अक्सा हमारे कब्जे से ना चली जाए, और हम लोग इसलिए सो रहे हैं कि हम मस्जिद जाना नहीं चाहते। को समझने की जरूरत है, जरा ध्यान से सुने, ऐसा नहीं कि एक कानों को सुन लिया बस इसको खत्म कर दिया। अपने ऊपर रहम खाओ, अगर आप नहीं पढ़ोगे आपकी औलादे किस आलम तक पहुंच सकती है खुद सोच सकते हैं। खैर, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक दें। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।